वेरी गुड मॉर्निंग वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू अन अकेडमी आप सबकाडमी के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और हम सब जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स के अपने सीरीज में एंड आज के सेशन में देखने वाले हैं सेकेंड एंड थर्ड ऑफ जुलाई के नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स पे आधारित तमाम महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को तो जितने भी बच्चे लाइव हो चुके एक बार जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर ले गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरी वन सुप्रभात प्रभात और क्या हाल कैसे हो आप सभी लोग क्या हाल है कैसे हैं आप सभी बच्चे कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन चलिए तो जल्दी जल्दी से हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और हर दिन की तरह स्टूडेंट सेशन की जो शुरुआत होगी वह होगा थाउट ऑफ दी डे के साथ एंड आज का जो थाउट है जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर ले तो वह हरी हो जाती है धैर्य रखे प्रयास करे समय बदलता ही है जी साथियों जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं वो ट्रैफिक सिग्नल में जो रेड लाइट होता है उस प्रकार से लाल बत्ती की तरह होती है अगर हम थोड़ा सा प्रतीक्षा करें थोड़ा सा अगर सब्र रखें और अगर धैर्य रखें और अगर प्रयास करें तो जो आपको लाल बत्ती दिखती है वो थोड़े समय बाद हरी हो जाती है और आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं कि अगर जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव आता है तो हम पैनिक हो जाते हैं और हमें लगता है कि बस यही है हो गई हमारी सबको हमारी जिंदगी खत्म हो गया हमारा सारा प्रयास असफल हाँ तो बिल्कुल भी ऐसा मत करिए जब भी आपको जीवन में कोई भी इस तरह की चीजें आए जब भी जीवन में डाउनफॉल आए जब भी जिंदगी में ऐसा कोई मुश्किल वक्त आए तो समझो कि ये आपके जीवन के ट्रैफिक सिग्नल का रेड लाइट है थोड़ा सब्र रखना है और अगर आपने थोड़ा सब्र रख लिया धैर्य अगर आपने रखा पेशेंस रखा तो वो लाल बत्ती फिर ग्रीन हो जाएगा देन आप जीवन में फिर से आगे बढ़ना स्टार्ट कर दीजिए तो बिल्कुल घबराना नहीं है और प्रयास निरंतर करते रहना है पेशेंस रखना है देन आप जीवन में निश्चित रूप से उस लक्ष्य उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे जो आप सोचते रहते हैं सोचते रहते हैं जिसके आप कामना करते हो तो इसी थाउट के साथ हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करेंगे और आ, सेशन को आगे बढ़ाते हैं सबसे पहले हम लोग लौटेंगे लो 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 क्विक रिविजन में और क्विक रिविजन में हम लोग देखेंगे कल के तमाम प्रश्नों को फटाफट से उन सवालों का उत्तर आपको करना है देन हम लोग नए सवालों पर भी वापस लौटेंगे हाँ थैंक्स थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस एंड चलिए तो हम लोग आ, अपने सेशन में वापस लौटेंगे जल्दी से और सबसे पहले क्विक रिवीजन क्विक रिवीजन में कल के वो तमाम प्रश्न जो आपने ऑलरेडी बना रखा है जो पिछले क्लास में आपने बना रखा था उन था, उन सवालों को एक बार जल्दी से देख लेना हाँ और पहला जो प्रश्न है वह है नमो ग्रैव का मुख्य उद्देश्य क्या है पहला प्रश्न आपके सामने सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करते चलोगे नमो ग्रैब का पूरा इसका मूल उद्देश्य क्या है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नमो ग्रैब ग्रैब स्टैंड फॉर ग्रेविटेशन एंड राइट आंसर हो जाएगा इसमें डिटेक्टिंग एंड स्टडिंग द ग्रेविटेशन वेब्स गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना और उसका अध्ययन करना पहला सवाल एंड राइट आंसर इज ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वेरी गुड ऑप्शन नंबर सी इज ऑब्सलूटली राइट हा आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने इसमें इसे देखें और अगला क्वेश्चन है अगला प्रश्न होगा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसमें अगला सवाल है दुबई में आयोजित विश्व के पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला कबड्डी फाइनल में किस टीम ने जीत दर्ज की है महिला कबड्डी में किस टीम ने जीत दर्ज किया है बहुत बेहतर वेरी गुड इसमें जीत दर्ज करने वाली टीम का नाम क्या उमा कोलकाता टीम हाँ आगे बढ़िए अगला प्रश्न है चंद्रयान तीन कब लॉन्च किया जाएगा चंद्रयान तीन को लॉन्च करने, करने की क्या तिथि निर्धारित की गई है दस अगस्त तेरह जुलाई पांच जुलाई या फिर ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट बहुत बेहतर और सही उत्तर हो जाएगा कि प्रत्येक इसका जो लॉन्चिंग है वो तेईस जुलाई को होने वाला अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने हाल ही में जिला मत्स्य अधिकारी और वैज्ञानिकों से सीधे जुड़ने के लिए रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप लॉन्च कर दिया है आपसे प्रश्न है कि यह किस योजना के तहत पोषित है इस ऐप को किस योजना के तहत लॉन्च किया गया है जल्दी जल्दी से सभी लोगों का कॉमेंट चाहिए हमें कौन सी योजना है जिसके अंतर्गत इसे लॉन्च किया गया है बहुत बढ़िया इसे लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चेन्नई भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने उत्तर प्रदेश को कितने उत्पादों के लिए स्टूडेंट जी आई टैग प्रदान कर दिया है में उत्तर प्रदेश को कितने उत्पादों के लिए जी आई टैग प्रदान किए गए हैं हाल ही में उत्तर प्रदेश को कितने उत्पादों के लिए जी टैग प्रदान किया गया है तो बहुत अच्छा इसमें हो जाएगा डी सात उत्पादों के लिए जी आई टैग मिला इसे नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न होगा कि आ, किस राज्य की पुलिस विभाग ने राज्य में अपराधियों और माफियाओं से निपटने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन की शुरुआत किया है ऑपरेशन कन्विक्सन की शुरुआत किसने किया है

जहां तक आप लोग शेयर कर सकते हैं प्लीज एक बार शेयर कर दो हाँ। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वेलकम है सभी का और जल्दी जल्दी से सवालों को देखते चलिए बहुत बेहतर उन्नत तकनीकी प्रदर्शन केंद्र ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें आगे क्वेश्चन है अगला प्रश्न होगा कि बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है निम्नलिखित में से कौन सा शहर 29 जून से 5 जुलाई 29 जून से 5 जुलाई तक छठा दिव्य कला मेले का आयोजन कर रहा है अच्छा पिछला आयोजन हुआ था मुंबई महाराष्ट्र में इस वर्ष का आयोजन कहां पे होने वाला है इस वर्ष का आयोजन कहां होने वाला है तो सबने जानकारी है कि यह आयोजन उसमें राजस्थान में जयपुर के अंदर होगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है आगे क्वेश्चन से निम्नलिखित में से किस संस्थान ने क्यू एस विश्व रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान हासिल किया है दुनिया में क्यूएस विश्व रैंकिंग जो शिक्षण संस्थानों को यूनिवर्सिटीज को जो प्रदान किया जाता है रैंकिंग उसमें पहला रैंक किसने हासिल किए हैं पहला रैंक मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी ऑफ टेक्नोलॉजी यूएस के द्वारा हासिल किया गया है और आगे बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा uh, किस देश को पीछे छोड़ते हुए भारत सड़क नेटवर्क वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश बन गया है भारत ने किस संबंधित देश को पीछे छोड़ दिया इस मामले में बहुत अच्छा भारत अच्छा चीन को पीछे छोड़ दिया हाँ सड़क के मामले में आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सहकारी बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया है लो। बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया है उस संबंधित बैंक का नाम क्या है तो संबंधित बैंक का नाम है महालक्ष्मी बैंक जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है कॉपरेटिव बैंक है अगला सवाल विदेश में रहने वाले इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स कि पहले भारतीय परिषद सदस्य के तौर पे किसे नियुक्त किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स में पहले भारतीय सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो विशेष चैंडियोग इसमें सही उत्तर हो जाएंगे जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमें दिख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा अगला सवाल है फेडरल बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष सुब्रमण्यम राजीव कुमार एपी होता या बिनेश त्यागी तो एपी होता इसमें सही उत्तर हो जाना चाहिए और राइट बिल्कुल एपी होता इसमें बिल्कुल सही उत्तर है अगला सवाल कि सैन्य अनुसंधान विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अनुसंधान चिंतन शिविर का आयोजन किसने किया है वह कौन सी संस्था है वह कौन सा संगठन है जिसने इसका आयोजन किया है अनुसंधान चिंतन शिविर अनुसंधान चिंतन शिविर का आयोजन किसके द्वारा किया गया है बहुत अच्छा डीआरडीओ के द्वारा डिफेंस रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसका आयोजन किया है नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट क्रिकेटर को हाल ही में एमसीसी विश्व क्रिकेट समिति में शामिल किया गया है एमसीसी वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को जगह दिया गया है तो क्वेश्चन तीन प्लेयर को जगह मिला है इसमें तीन प्लेयर्स में से भारत के तरफ से इसमें झूलन गोस्वामी और दो इंग्लैंड के महिला और पुरुष क्रिकेटर इसमें शामिल हैं आगे क्वेश्चन होंगे कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे कब ऑब्जर्व किए जाते हैं नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे कब ऑब्जर्व किए जाते हैं चलिए बहुत बेहतर और सही उत्तर हो जाएगा प्रति वर्ष ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ जून जब पीसी महालोनोबिस का जन्मदिन हुआ जन्मदिन है उसी दिन यह दिवस ऑब्जर्व किए जाते हैं अंतरराष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक इज ऑब्जर्व एवरी ईयर विच डे ट्वेंटी नाइन्थ जून कटिबंधीय दिवस के रूप में मनाया जाता है आगे फिर से क्वेश्चन होंगे कि किस शहर के पास एक हजार साल पुरानी जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं एक हजार वर्ष पुरानी जो है जैन मूर्ति किस शहर में प्राप्त हुआ है वह संबंधित शहर कौन सा हैदराबाद भोपाल औरंगाबाद या रायपुर सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा आप लोग लाइव नहीं हो सभी बच्चे क्या मैं देख रहा हूं कुछ बच्चों का ऑप्शन आगे पीछे आ रहा है तो तेलंगाना की राजधानी जो, जो है एक हजार वर्ष पुराना जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है खनिज सुरक्षा साझेदारी खनिज सुरक्षा साझेदारी का नेतृत्व तो करता है ब्रिटेन चीन फ्रांस या अमेरिका आप सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताएं कि वह कौन सा संबंधित देश है जो खनिज सुरक्षा साझेदारी का नेतृत्व करता है उसकी लीडरशिप करता है बहुत बेहतर और सही जानकारी इसमें होगा कि इसका लीडरशिप करने का कार्य जो है अमेरिका कर रहा है आगे क्वेश्चन हो गए किस केंद्रीय मंत्रालय ने यूए भी निर्यात नीति को सरल और उदार बनाने के लिए इसमें बदलाव करने की घोषणा की है अन अनमेंड एरियल व्हीकल्स जो है इस पॉलिसी को सरल और आसान बनाने के लिए किस मंत्रालय ने बदलाव की घोषणा कर डाली है संबंधित मंत्रालय का नाम क्या है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इसकी घोषणा करी है पीयूष गोयल जिसके मंत्री हैं ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा तो ये थे आज के टॉप करंट अफेयर्स जिसको हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया है अब बारी है नए प्रश्नों की हाँ अब बारी है नए सवालों की अब बारी है नए प्रश्नों की तो अब हम लोग आते हैं अपने आज के सेशन में और आज है उसमें ट्वेंटी थर्ड ट्वेंटी सेकेंड एंड थर्ड ऑफ जुलाई के करंट अफेयर्स में हम लोग हैं और नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स पर आधारित है सारे प्रश्नों को देखने वाले मैं हूँ एस के चौधरी आप में से अधिकांश बच्चे मेरे परिजन से परिचित होंगे अनकेडमी पे आप हमें दो विषय के लिए ज्वाइन कर सकते हो और ये दो विषय हैं इकोनॉमिक्स और करेंट अफेयर्स हाँ अभी हमारा इकोनॉमिक्स पे एक फाउंडेशन कोर्स भी चल रहा है जो बच्चे इकोनॉमिक्स जैसे विषय में डर डरते हो या फिर उसमें अच्छे स्कोर नहीं कर पा रहे हैं अभी अन एकेडमी पे हमारा बिल्कुल नया कोर्स अभी लाइव चल रहा है तीन लेक्चर कंप्लीट हुए अभी उसमें पचपन संतावन लेक्चर और आने वाले हैं लगभग साठ क्लासेज हैं तो इकोनॉमिक्स के इस नए कोर्स से जरूर जुड़िएगा दोपहर में दो बजे क्लास है और नए सवालों में आपका एक बार फिर से स्वागत है पहला प्रश्न है एशियाई मिश्रित युगल स्क्स टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल किसने जीत लिए हैं तो बात है स्वर्ण पदक का गोल्ड मेडल का तो आपने आंसर करके बताना है कि किसने इस गोल्ड मेडल को अपने नाम कर लिया है जल्दी से इस क्वेश्चन को बताना है कि एशियाई मिश्रित युगल स्वेस टूर्नामेंट में मिश्रित है इसका मतलब क्या है था? मिक्सड में क्या है कि महिला पुरुष दोनों भाग ले सकते हैं ना तो इसे जीतने का काम किया गया है हरि हरिंदर पाल संधु और दीपिका पल्लीकल इन दोनों के द्वारा इसमें इस जोड़ी ने इसमें जीत दर्ज की है एंड ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका अगर एक्सप्लेनेशन अगर हम लोग देखें तो जाहिर सी बात है इसमें दीपिका पल्लिकल तीस जून को हांगजू में हांगजू में एशियाई मिश्रित गोल्ड मेडल जीता है फाइनल मैच में मलेशिया के इयान यूएन और रचेल अर्नोल्ड को दो जोरों से पराजित किया है यह आयोजन में दीपिका की भागीदारी 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों के बाद उपस्थित रहा मतलब 2022 के बाद जो है वो इसमें पार्टिसिपेट किया और उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया है तो ये पूरी जानकारी इसमें रखेंगे एक बच्चा लिख रहा है सर जी गोल गोल घूम रहा है आप अपना नेटवर्क ठीक करो ओ, इसलिए गोल गोल घूम रहा है आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कंपनी ने सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के लिए गुजरात सरकार के साथ एक समझौता पे हस्ताक्षर किए हैं लो ये प्रश्न अभी थोड़े ही दिन पहले हम लोग पढ़े थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे अमेरिका यात्रा पे तो वहां पे एक कंपनी के साथ उनका डील हुआ था ना तो वो डील अब जो है जमीन पे उतर रहा है तो आपसे पूछा जा रहा है कि वह कौन सी कंपनी जिसने सेमी कंडक्टर उत्पादन इकाई गुजरात के अंदर लगाने के लिए गुजरात सरकार के साथ समझौता किया है बहुत बेहतर और इस प्रश्न को हम सबने पहले भी डिस्कस किया है कि माइक्रोन टेक्नोलॉजी हाँ उसके द्वारा ये काम किए गए हैं और जब भी गुजरात में सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना की बात आती है तो फ्रेंड आपने थोड़े समय पहले वेदांता ग्रुप के बारे में पढ़ा होगा ना जिसने हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पे सेमीकंडक्टर को लेकर के तो अब एक और बड़ी कंपनी आ रही है अमेरिका का जिसका नाम है माइक्रोन टेक्नोलॉजी तो यह कंपनी अपनी सेमी कंडक्टर यूनिट करने जा रही है गुजरात के अंदर और उसपे एमओ यू उस पर समझौते भी हो गए हैं तो इसे आप देख सकते हैं यह प्रोजेक्ट जो होगा वो 93 एकड़ क्षेत्र में जो है वो फैला होगा और यह सुविधा वेफर्स को बॉल ग्रिड एरो इत्यादि में इसमें प्रदान किए जाएंगे तो गुजरात सरकार ने यह समझौते कर लिए कंपनी के साथ अगला सवाल हमारे सामने है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस प्रत्येक वर्ष एक जुलाई को किसकी याद में मनाया जाता है वह व्यक्तित्व तो जिसके जन्मदिन को भारत में डॉक्टर्स डे या फिर राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के तौर पे मनाया जाता है वह तारीख क्या है तो सबने जानकारी रखना भी कि भारत में डॉक्टर विधान चंद्र रॉय यानी कि शॉर्ट कट में बोलते हैं डॉक्टर बीसी रॉय जो कि भारत के पहले डॉक्टर थे और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के पद पर भी रह चुके थे उनका जन्मदिन जो है

अलग अलग रोल में सुपरहिट थे अलग अलग कार्यों में लेकिन भारत के पहले डॉक्टर होने का इन्हें सौभाग्य मिला था एग्जाम के अंदर आपसे यह प्रश्न भी पूछा जाएगा कि इस वर्ष जो राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे मनाया गया था उसका थीम क्या था तो मुझे नोट कर लेना सेलिब्रेटिंग द रेजिलियंस एंड एंडिंग हैंड्स ये इस वर्ष का थीम है और इसकी शुरुआत कब से किया है भारत सरकार ने भी तो नाइनटीन से उन्नीस से यह पूरी पूरी जानकारी आपको यहाँ से रखनी है आगे बढ़िए फिर से सवाल हमारे सामने होगा कि भारत की पुरुष हॉकी राष्ट्रीय फुटबॉल टीम हाल ही में फीफा विश्व रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गई है भारत की फुटबॉल टीम का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा इस बार अभी दे, आपने रिसेंटली देखा होगा कि लेबनॉन को भी इंडिया ने पराजित कर दिया तो आपसे आपको बताना यही है कि आ, इसमें आपको बताना है कि भारत का रैंक क्या है चलिए बहुत अच्छा और सभी बच्चे ने जिसने भी सही कमेंट किया है कि इंडिया का रैंक जो है वो एक सौवें स्थान पे आ गया है भारत पहले एक सौ पे था और एक सौ से एक सौवें स्थान पे आ गया है हाँ तो ये बिल्कुल सही जानकारी होगा और भारतीय टीम की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है एग्जाम के अंदर यह भी सवाल पूछा जाएगा आमतौर पर कि नई लिस्ट में पहला रैंक किसका है दूसरा रैंक किसका है और तीसरा रैंक किसका है तो ये देश ऑलमोस्ट फिक्स है पहले से ही मतलब ये लोग वापस में ही तो इसमें अर्जेंटीना फ्रांस और ब्राजील हाँ ये टॉप थ्री में लोग रहते हैं अर्जेंटीना फ्रांस और ब्राजील अर्जेंटीना फ्रांस और ब्राजील इसमें टॉप में आते हैं अर्जेंटीना फ्रांस और ब्राजील हाँ ये टॉप थ्री कंट्रीज है इंडिया का रैंक है एक सौ वन नंबर पे। और भारत के बारे में आप यहां नोट कर सकते हो कि भारत एक सौ एक नंबर पे था और एक रैंक ऊपर चला गया है और ये अभी जो नया फीफा का विश्व रैंकिंग जारी हुआ उसमें इंडिया का रैंक है टीम ने यह रैंक हासिल करने के लिए लेबनॉन और न्यूजीलैंड को पराजित किया है उसको पीछे छोड़ दिया है भारत अब एशिया का अठारहवा सबसे बड़ा मतलब रैंकिंग के मामले में अठारहवा देश हो गया है तो चूंकि फुटबॉल बहुत सारे देश खेलते हैं लगभग 150 से अधिक देश इसमें शामिल होते हैं तो 100 नंबर पे भी आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है हा चलिए तो आगे बढ़ेंगे फिर से हमारे सामने क्वेश्चन होगा और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारह प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा करने के लिए सक्रिय शासन के लिए एक मंच प्रगति के बयालीसवें संस्करण की अध्यक्षता किसने किए हैं? आपको बताना है कि विभिन्न मंत्रालय और राज्यों में बारह प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा के लिए बयालीसवें संस्करण प्रगति के बयालीसवें संस्करण की अध्यक्षता किसने किया है लो हमने उत्तर बता दिया ये विजुअल दिख रहा है ना इस विजुअल को देख करके आंसर करो बहुत बेहतर हाँ वेरी गुड तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई बिल्कुल सही है हाँ असल भारत सरकार ने प्रगति के बयालीसवें संस्करण की अध्यक्षता किया है इस संस्करण की अध्यक्षता में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि विभिन्न राज्यों में जो सरकार की परियोजनाएं चल रही हैं उसकी समीक्षा की जाती है और जो सरकार की अपनी योजनाएं उसकी भी समीक्षा की जाती है कि कौन सा कार्यक्रम कहाँ तक पहुंचा है उसमें अभी और कहाँ पे सुधार हो सकता है बिहार में दरभंगा में एम्स की स्थापना होनी है है ना लेकिन आपको जानकारी होगी कि अभी तक वहां पे लैंड का जो अलॉटमेंट होता है वो भी सही सही नहीं हो पाया है तो निर्माण कार्य प्रारंभ ही नहीं हुआ है उस पर भी चर्चा होगी हम लोग क्लास के लास्ट में उस पर भी बात करने वाले हैं तो सही उत्तर जो है सही उत्तर जो इसमें हो जाएगा सुन वह कि इसकी अध्यक्षता जाहिर सी बात है आप सबने सही कॉमेंट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है बैठक में 12 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई है और 12 परियोजनाओं में से सात परियोजना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के थे दो परियोजना रेल मंत्रालय के हैं एक एक परियोजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इस्पात मंत्रालय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय से था इसमें दस राज्यों छत्तीसगढ़ बिहार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र तेलंगाना तमिलनाडु ओडिशा हरियाणा और दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और दादर नगर हवेली से संबंधित परियोजनाओं पर इसमें चर्चा की गई तो ये पूरी जानकारी हम लोग यहाँ से रखेंगे आगे बढ़िए फिर से हमारे सामने सवाल होगा कि अगला प्रश्न है भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिज पर भारत की पहली रिपोर्ट का अनावरण किसने किया है भारत के लिए प्रमुख खनिज पर जो पहला रिपोर्ट जारी किया गया है इस संबंधित रिपोर्ट किसने जारी किया है तो भारत में जो खनन मंत्री हैं जो भारत में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जो है संबंधित मंत्रालय के मंत्री के पास है प्रहलाद जोशी तो उन्होंने इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया है भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिज यह भारत की पहली रिपोर्ट है सरकार का और इसे प्रहलाद जोशी ने जारी किए हैं एंड इस रिपोर्ट के बारे में आगे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि रिपोर्ट में डिफेंस एग्रीकल्चर एनर्जी फार्मास्यूटिकल्स और टेलीकोम्युनिकेशन क्षेत्र में आवश्यक तीस महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की गई है इस रिपोर्ट में व्यापक सूची नेट जीरो के लक्ष्यों के अनुरूप तैयार किया गया है और सूची का उद्देश्य खनन के क्षेत्र में नीति निर्माण कर योजनाओं और निवेश को आगे बढ़ाना है इस पूरे मामले को देखोगे अब यहाँ नेट जीरो शब्द जैसे ही प्रयोग हुआ तो आप सबने जानकारी रखना है दो तो हजार आपको पता है कि भारत ने जो कार्बन न्यूट्रलिटी की बात किया है वो है वर्ष दो हजार सत्तर यानी कि भारत वर्ष 2070 तक कार्बन इमिशन को जीरो परसेंट करने का लक्ष्य रखता है तो भाई संबंधित रिपोर्ट में इस बारे में भी एक रोड मैप तैयार किया गया उसके बारे में भी चर्चाएं हैं कि हम लोग कैसे नेट जीरो कंट्री हो सकते हैं यानी कि हम लोग वह कौन सी तकनीक होगी कौन सा वो तरीका होगा जिसके माध्यम से फिर हम लोग ऐसा कर सकते हैं तो आप इसका ख्याल रखें ऑल राइट आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन फिर से हमारे सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन वित्त मंत्रालय के अधीन व्यय विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष दो हजार में कितने राज्यों के लिए छप्पन हजार चार सौ पचपन करोड़ रुपए की पूंजी निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दे दिया है चलिए यह भी सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण है कि भारत में कितने राज्यों के लिए अभी छप्पन हजार चार सौ पंद्रह करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों को मंजूरी दे दिया गया है तो यहां पर सबने जानकारी रखोगे कि इसके लिए सोलह राज्यों के लिए मंजूरी दिए गए ये सोलह राज्य में जो संबंधित राज्य है उसमें आप समझ देख सकते हो अरुणाचल प्रदेश शामिल है बिहार छत्तीसगढ़ गोवा गुजरात हरियाणा हिमाचल प्रदेश कर्नाटका मध्य प्रदेश मिजोरम ओडिशा राजस्थान सिक्किम तमिलनाडु तेलंगाना वेस्ट बंगाल हाँ कुल सोलह राज्य हैं बिहार में इसमें नौ हजार छ सौ चालीस करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी मिला है क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है और अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट क्या है मतलब भारत में ये जो सोलह राज्य हैं इन सोलह राज्यों में सबसे बड़ा निवेश की मंजूरी जो मिली है वो है बिहार को नौ हजार टोटल अमाउंट है नौ हजार छह सौ चालीस करोड़ रुपए हाँ और वो आपको पीडीएफ जब प्रोवाइड करूंगा तो वहां पे दिख जाएगा तो इसकी जानकारी रखेंगे देन अगला क्वेश्चन फिर से हमारे सामने है और वही सारी बातें वापस से यहां लिखा हुआ है नेक्स्ट है कि वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना पीएम पर को मंजूरी दी गई है और पीएम परिणाम का जब फुल फॉर्म हम लोग पढ़ते हैं तो आर का मतलब क्या है आर स्टैंड फॉर ये तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है पीएम परनाम आर का फुल फॉर्म क्या होगा रिस्टोरेशन रिसर्च रिड्यूज या रिवैम चलिए तो इसकी जानकारी हम लोग रखेंगे कि जो उर्वरक वाला योजना है ना ये यो उर्वरक योजना भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय जो है उसी के पास होता है तो इस योजना को लॉन्च किया है मनसुख मंडाविया ने और इसका फुल फॉर्म क्या होता है देखो यहां से हम लोग समझेंगे हाँ इसका फुल फॉर्म है पीएम प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम फॉर री एस्ट्रो जनरेशन And of Earth Scheme, कि सारे words जो है उसको अगर आप शॉर्ट फॉर्म में करते हैं तो आता है और इसमें ऑप्शन ऑप्शन मतलब आप सेकेंड सेक्वेंस में सेकेंड वर्ड जो है पीएम प्रोग्राम फॉर रीअस्टोरेशन तो ये है और इसका उद्देश्य क्या है भाई तो इसका उद्देश्य है वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देना वैकल्पिक उर्वरक कहने का मतलब कि भारत में जो परंपरागत उर्वरक है उस उर्वरक के स्थान पे जो नए उर्वरक का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं जो इको फ्रेंडली हो उसके प्रयोग को बढ़ावा देना और सरकार ने यूरिया सब्सिडी के लिए प्रतिबद्ध तीन इसमें देख सकते हो जो अमाउंट यहाँ मेंशन किया गया तीन लाख सत्तर हजार एक सौ अट्ठाइस दशमलव इतना करोड़ परिवहन की सब्सिडी की घोषणा की है तीन साल तक जो है ये सब्सिडी जारी रहेंगे तो पीएम प्रणाम योजना का मूल उद्देश्य है मिट्टी को बचावा देना जो हम लोगों ने बात किया मृदा संरक्षण उर्वरकों के टिकाऊ और संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना और इसमें राज्य सरकारों की भागीदारी शामिल थी राज्य 10 लाख टन पारंपरिक उर्वरक का उपयोग कर रहा है इसकी खपत 3 लाख टन कम कर दी गई कर दी तो सब्सिडी बचत जो है तीन हजार करोड़ होगी तो पूरा मामला आप समझ पा रहे हैं भारत में जो उर्वरक का प्रयोग हो रहा है उस उर्वरक के प्रयोग में वैकल्पिक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से इस प्रकार का जो बदलाव किया जा रहा है उसके प्रयास किए गए हैं चलिए देन आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट हमारे सामने जानकारी होगा वैकल्पिक खाद के तौर पे क्या प्रयोग किया जा सकता है बिल्कुल सही आप लोग कर रहे हो जो कंपोस्ट फर्टिलाइजर है या फिर उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन फर्टिलाइजर या उसको बोला जाता है इको फ्रेंडली फर्टिलाइजर या इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हाँ उसका प्रयोग किया जाना चाहिए बिल्कुल आगे बढ़िए अगला प्रश्न फिर से हमारे सामने है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1975 आपातकाल में लड़ने वाले आपातकाल में लड़ने वाले उत्तराखंड के लोगों को सम्मानित किया है लोकतंत्र सेनानी सम्मान राशि साथियों स्कीम चलता है लोकतंत्र सेनानी सम्मान राशि को सोलह हजार रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है ऑप्शन है बीस हजार पच्चीस हजार तीस हजार या पैंतीस हजार आपातकाल जब 1975 में लगा था तो उत्तराखंड के तरफ से जो लोग भी इस आपातकाल में भाग ले रहे थे लड़ाई लड़ रहे थे उनको सरकार एक राशि देती है लोकतंत्र सैनानी सम्मान राशि उस राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है बहुत बेहतर हाँ तो इसे बढ़ाकर कर दिया गया है बीस हजार रुपये देखो ऐसे प्रश्नों पे आमतौर पे आप थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं थोड़ा सा बहुत ज्यादा नहीं हाँ देखिए अचानक से सोलह हजार से उसको डबल तो नहीं किया जाएगा पच्चीस हजार तीस हजार पैंतीस हजार नहीं किया जाएगा क्योंकि राज्यों के ऊपर थोड़ा सा इकोनॉमिक बर्डन ज्यादा होना नहीं चाहिए थोड़ा कमी बर्डन रखना चाहती है तो फिर भी सरकार ने जो इसमें वृद्धि किया है वो है सोलह हजार से बढ़ाकर उसको बीस हजार कर दिया जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है और इसी तरह से कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछा जाता है तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ भारत में वह कौन सा राज्य है जो जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन प्रदान करता है एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछा जाता था एक समय में तो सबने जानकारी रखोगे कि जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत का पहला राज्य है बिहार और दूसरा राज्य कौन सा है भाई तो दूसरा राज्य है झारखंड हाँ जेपी मूवमेंट यानी कि वही आपातकाल के समय में जो मूवमेंट चला था तो यह सबने जानकारी रखोगे एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बिल्कुल ज्यादा बर्डन हो जाएगा तो पैसे देने में जैसी बात है मुश्किल होगा और यही सारी बातें जो वापस से यहां पे लिखा हुआ है आपातकाल की बात जब होती है तो उन्नीस का ये आपातकाल का जरूर बात होता है भारत के इतिहास का ये सबसे लंबा आपातकाल है 21 महीने का और किसके समय में लगा था भाई तो इंदिरा गांधी के समय में और आपातकाल क्या होता है आपने पढ़ा होगा आपातकाल के बारे में पॉलिटी में कि जब आपातकाल की घोषणा होती है इसका मतलब होता है कि हम सभी नागरिकों के जो फंडामेंटल फ्रीडम होता है जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसको सीमित कर दिया जाता है है ना आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके बारे, बाकी सारे अधिकारों को और बाकी सारी स्वतंत्रताओं को बिल्कुल कम या खत्म किया जा सकता है तो इसकी जानकारी भी आप रखेंगे और आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट 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 क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे अगला सवाल हमारे सामने निम्नलिखित में से किस देश ने विशेष रूप से तकनीकी उद्योग में अपने कुशल श्रम की कमी को दूर करने के लिए डिजिटल घुमंतु रणनीति शुरू किया है डिजिटल घुमंतु डिजिटल घुमंतु रणनीति की शुरुआत किसने किया है अब पहचानो भाई एक तरफ यहां पे आपको हमारे मंत्री पीयूष गोयल साहब दिख रहे हैं एक देश का आपको यहां पे फ्लैग दिख रहा है अगर आप चीटिंग करना चाहो तो इतना हिंट काफी होता है अभी कमेंट सेक्शन में आंसर राइटिंग नहीं करोगे हा नहीं तो हम इधर से जाएंगे और दिमाग पे तीन चार मुक्के मारेंगे तो तुम्हारा दिमाग जो है वो सही सही काम करने लगेगा चलिए बहुत बेहतर राइट आंसर ऑब्वियसली कि घुमंतु डिजिटल घुमंतु रणनीति की पहल की जो शुरुआत है उद्योगों में कुशल श्रम की कमी को दूर करने के लिए आ, कनाडा ने प्रारंभ किया है और इस देश के साथ भाई तो भारत और कनाडा ने मिलकर के इसकी शुरुआत किया है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरे को लगा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इसमें कुशल श्रम की कमी को दूर करना है इसका मतलब क्या हो गया कि मान लो स्किल्ड लेबर चाहिए चाहे इंडिया को चाहिए या कैनेडा को चाहिए तो भाई इस रणनीति के तहत क्या है कि जो स्किल्ड लेबर है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव कर सकते हैं उसको वहां पे जा सकते हैं वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं तो ओके इसकी जानकारी रखेंगे और यहाँ पे इसके बारे में बाकी सारी बातें भी बताई गई हैं कुशल श्रमिकों की कमी को इससे दूर किया जाएगा और डिजिटल घुमंतु रणनीति को लॉन्च किया गया है अब एग्जाम्स के अंदर जो है मेंस वाले एग्जाम में या इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ डिजिटल घुमंतु रणनीति क्या है शॉर्ट एग्जाम क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है तो अब आपको मैं बता दू कि शॉर्ट आंसर्स के लिए आपको तैयार रहना है हाँ एग्जाम में बहुत बार अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं और चूंकि अभी तो बीपीएससी में प्रश्नों की संख्या भी बढ़ गई है तो क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है इसलिए आपको इस तरह की पूरी जानकारी रखनी होगी और अगर आपके पास जानकारी नहीं होगा तो बड़ा मुश्किल है मैं कल संडे था ना तो कल मैं एक, एक स्टूडेंट से मिल रहा था और एक ऐसे स्टूडेंट से मिल रहा था जिसने समझ लो पैरसठवीं छियासठवीं सड़सठवीं और अड़सठवी मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उसने हर बार मेंस लिखा है और हर बार वो असफल हो जाता है अभी तो हालांकि लास्ट के दो एग्जाम्स में वेट कर रहा है मैं भी कि उसका रिजल्ट हो जाए उस बच्चे का मैं पेपर देख रहा था आर फाइल करके जो उसने मंगवाया था कॉपी उसमें एक दो क्वेश्चंस ऐसे वो गलती करता था कि मतलब कहना नहीं है जैसे इसी तरह का कोई क्वेश्चन आ गया कि डिजिटल घुमंतु रणनीति से आप क्या समझते हैं ये क्या है तो क्या होता है कि लोग अपना अपना दिमाग लगा करके उसमें कुछ भी आगे पीछे लिखना स्टार्ट कर देते हैं और कभी कभी क्या होता है कि आप थ्री डिग्री जो है इ आंसर लिखने लग जाते हो नंबर खूब कटेगा और उस बच्चे का जानते हो मार्क्स कितना था अड़तीस नंबर के क्वेश्चन में, में पांच पेज लिखने के बाद एक नंबर मिला था वन मार्क्स बताओ क्या आंसर लिखा होगा समझो कि उसने क्या आंसर लिखा होगा कि अड़तीस नंबर के क्वेश्चन को उसने लिखा है पांच पेज में लिखा है और उसके बदले वन मार्क्स मिले हैं तो इसलिए प्रयास हमेशा करना तो मैंने उससे वही बोला तो उस बच्चे ने भी वही कहा कि सर नॉलेज का डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है क्योंकि जैसा पेपर अब आ रहा है ना कि आपको अब लिमिटेड कॉन्टेंट पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है आपको कॉन्टेंट बढ़ाने पड़ेंगे कुछ भी हो सकता है एग्जाम के अंदर तो इस बात का ख्याल रखना है आगे हम लोग बढ़ेंगे मैं हो सकता है पेपर आप लोग को मंगवा के सेंड दूंगा हाँ तो इसकी जानकारी रखेंगे कि ये डिजिटल खाना पदोष रणनीति एक विदेशी नियोक्ता के साथ श्रमिकों को छह महीने तक कनाडा में रहने और काम करने की अनुमति देती है यदि उन्हें देश में रहते हुए नौकरी का प्रस्ताव मिलता है तो कनाडा में और अधिक समय तक रह सकते हैं कनाडा के लिए बेहद फायदेमंद होगा वे श्रमिक इस देश में समुदाय में पैसे खर्च करेंगे और कनाडा में कौशल की कमी को दूर करने के लिए इसकी शुरुआत हुई पूरा मामला समझ रहे हो यह एक स्कीम है कनाडा में कनाडा का एक रणनीति है पॉलिसी इसके अंतर्गत जो है वो व्यक्ति छः महीने के लिए कनाडा में जाके रह सकता है और काम की वो प्राप्ति कर सकता है अगर उसको काम मिल गया तो फिर उसको अधिक दिनों तक रहने की अनुमति अनुमति मिलेगा इससे कनाडा को फायदा ये होगा कि उसको स्किल लेबर मिल जाएंगे हाँ तो उसके लिए बहुत ही जरूरी चीज है वो अच्छे से हो पाएगा आगे फिर से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा और अभी हम लोगों ने दस प्रश्न महज कंप्लीट किया नेक्स्ट क्वेश्चन है कि, कि किस बीमा कंपनी ने नए जमाने की सुरक्षा और सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम कंपनियों को छोटे आकार के बीमा उत्पाद पेश करने के लिए एक्टी डॉट ए आई के साथ साझेदारी किया है एक्टी डॉट ए आई के साथ किसने समझौते किए हैं तो वह संबंधित कंपनी का नाम है कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है आपको वहां पर विजुअल में भी दिख रहे होंगे तो इसे पूरा नोट करेंगे कि कोटेक जनरल इंश्योरेंस जो है इसने छोटे व्यवसायों और व्यवसायियों को समर्थन प्रदान करने के लिए एक्टी डॉट ए के साथ ए आई संचालक प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने के लिए समझौते कर लिए हैं आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के नए उप प्रमुख के पद पर किसकी नियुक्ति हुई है संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के नए उप प्रमुख के पद पर किसकी नियुक्ति हुई है तो अश्वेंट जो यूनाइटेड नेशंस के हेड है एंटोनियो गुटेरस उन्होंने यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए जूहा ओलियांग ये नाम भी कितना अजीब है ये मूल रूप से चीन के हैं इनकी नियुक्ति कर दी है इस पद के लिए और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हमारा होगा नाम इनका है जू हा ओल्यांग उनकी नियुक्ति की गई है आगे और इसके बारे में विस्तृत जानकारी है कि वो पहले से ही इसमें एसोसिएट प्रशासक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई जू ओल्यांग इस भूमिका में भारत से ऊषा राव और मोनारी का स्थान ग्रहण करेंगे ऊषा राव मोनारी का जो है वो स्थान ग्रहण करेंगे और पहले भारत के पास ये पद था अब कुछ समय के लिए चाइना के पास जाएगा दो से इसमें सहायक महासचिव के रीति और कार्यक्रम में शामिल थे दो से उन्नीस तक उन्होंने एशिया प्रशांत महासागर के लिए यू के लिए काम किया और यूएनडीपी के बारे में हम लोग जब भी बात करते हैं तो हमारे जहन में आता है 1991 और यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एच भारत में और पूरी दुनिया में जो डेवलपमेंट को मापने का पहला प्रयास किया गया था उसमें वह था यूएनडीपी के द्वारा और यूएनडीपी ने आ, इसे लॉन्च किया था 1990 और 91 के अंदर तो इसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए आगे फिर से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है इंटरनेशनल एसप्रॉइड डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस प्रति वर्ष कब मनाए जाते हैं बहुत अच्छा यह दिवस प्रति वर्ष तीस जून को मनाया जाता है और क्षुद्र ग्रह के बारे में आपने पढ़ा होगा कि यह जो ग्रह है दो के बीच में है है ना मार्स मंगल मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में जुपिटर के बीच में जो एक एरिया है इस तरह से वो है क्षुद्र ग्रहों का एक एरिया और उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है इस दिवस के अवसर तो इसकी जानकारी रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय शुद्र ग्रह का इतिहास 1908 से मिलता है और 2016 में इस प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया कि 30 जून को हर वर्ष शुद्र ग्रह दिवस के रूप में मनाया जाएगा तो ये पूरी जानकारी रखेंगे और शुद्र ग्रह दिवस जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है उद्देश्य क्या है भाई उद्देश्य है शुद्र ग्रह और उसके प्रभाव के दौरान होने वाले संभावित खतरों के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाना एंड अपने पढ़ा होगा कि ग्रह कभी कभी अपने स्थान से डिस्प्लेस हो जाता है ना और डिस्प्लेस होकर के जो है वो आ, अलग अलग प्लानिट पर जाके गिरता है जिस कारण से फ्रेंच का निर्माण होता है और फिर उससे लेक डेवलप होते हैं झील डेवलप होता है जैसे भारत में आपने पढ़ा होगा महाराष्ट्र के अंदर कोलार या पुष्कर लेक के बारे में आपने राजस्थान में पढ़ा होगा पुष्कर लेक के बारे में तो ये सब उसके अंतर्गत के कंसेप्ट है। नेक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि संसद संवाद दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस प्रतिवर्ष कब मनाए जाते हैं द इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रिजम इज सेलेब्रेटेड एवरी दिवस प्रति वर्ष कब होता है तो सबने जानकारी रखोगे कि अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस प्रति वर्ष जून को मनाया जाता है और इस वर्ष भी मनाया गया है क्योंकि इस वर्ष हमारा संसद भवन भी बिल्कुल अब नया हो गया है तो इसकी जानकारी रखोगे इस वर्ष जो इसका आयोजन हुआ इसका थीम आप नोट कर सकते हैं थीम है लोकतंत्र और शासन को मजबूत करना और इसका आयोजन जो है कब से हो रहा है भाई तो इस प्रस्ताव को मनाया जाने का जो प्रस्ताव का अप्रूवल मिला था घोषणा हुआ दो में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा है यह लोकतंत्र में सुशासन और कानून शासन व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के विषयों पर विचार करता है उस पर एक चर्चा के रूप में से मनाया जाता है तो 2018 से प्रारंभ हुआ है और इस वर्ष का थीम है लोकतंत्र शासन को मजबूत करना हाँ चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन होगा अगला सवाल है कि नोबेल पुरस्कार विजेता लिथियम बैटरी आविष्कारक गुड गुडन का हाल ही में निधन हो गया है वह 100 वर्ष के थे और जाहिर सी बात है 100 वर्ष के थे तो प्रकृत प्राकृतिक निर्धन हुआ अगर नेचुरल डेथ है गुडनाइफ ने किस वर्ष नोबेल पुरस्कार को जीता था स्टूडेंट और इनका बहुत महत्वपूर्ण कार्य था लिथियम बैटरी असल लिथियम बैटरी के संदर्भ में आपने जानकारी रखना है कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करते हैं तो वहां पे लिथियम बैटरी का नाम जरूर सामने आता है और अभी हाल ही में आपने एक सोर्स के बारे में पढ़ा होगा जम्मू कश्मीर में कि लिथियम के भंडार की खोज हुई है ये जो बैटरी होता है सेल होता है उसको बनाने में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है तो आपने जानकारी रखना है कि इनको किस वर्ष मिला था नोबेल पुरस्कार तो सभी बच्चों को स्पष्ट जानकारी होना चाहिए कि इन्हें वर्ष दो उन्नीस के अंदर जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और बिल्कुल तो इसकी जानकारी रखेंगे कहाँ के थे भाई तो अमेरिकी साइंटिस्ट थे वैज्ञानिक थे और उन्हें 2019 में जो के, केमिस्ट्री है उसके लिए जो केमिकल केमिस्ट्री रासायनिक विज्ञान है उसमें उनको सम्मानित किया गया था तो बिल्कुल संतानवे साल की उम्र में उन्होंने लिथियम आयन बैटरी के आविष्कार के लिए जो है ब्रिटेन के जापान के अकीरा में 2019 में इनको सम्मानित किया गया था तो आप उनके बारे में देख सकते हो कि 97 सेवन ईयर्स ओल्ड जब थे यानी कि जब संतानवे वर्ष के थे तब उनको पुरस्कार मिल रहा था नोबेल पुरस्कार और तब उन्होंने लिथियम आयन बैटरी का आविष्कार कर डाला था तो इसलिए बोला जाता है कि जो व्यक्ति जीवन में प्रयास करता है वो कभी रिटायर नहीं होता है आप सोच सकते हो कि संतानवे वर्ष की उम्र में जब आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि अपनी जीवन में पता नहीं वो किस दशा में रहते नाइन्टी सेवन ईयर्स में तो उस समय कोई व्यक्ति जो है वो अपने प्रयोग को अपने अनुसंधान को एक एक सही रूप दे रहा हो दे रहा है तो उसे सम्मानित तो क्या ही जाना चाहिए था भाई हमारे यहाँ क्या होता है नाइन्टी सेवन ईयर्स ओल्ड अगर हो जाए तो सब आस पड़ोस का लोग और घर के परिवार के लोग बोलेंगे कि पता नहीं भगवान क्यों देरी कर रहे हैं इसका टिकट कन्फर्म क्यों नहीं करवा रहे हैं ना आमतौर पर यही ना होता है क्योंकि तब तक जो है तुम्हारा पूरा शरीर का जो आधा ऑर्गेन है वो जवाब दे चुका रहेगा और तुम उनके लिए यूजलेस हो चुके रहोगे ना तो फिर वो बोलेंगे कि भाई विदा ही ले लो यहां से जो कि आमतौर पर नहीं होना चाहिए तो आगे फिर हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट हमारे सामने सवाल होगा इसलिए जीवन में कभी हार मत मानना उम्र के किसी भी पड़ाव पे रहो अगर आपके अंदर जीतने की क्षमता है तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं कर सकती किस गुट ने नामक एक संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया है सोलटरी एक्सरसाइज नामक एक संयुक्त अभ्यास का आयोजन किसने किया है जल्दी से कमेंट करोगे और तो इसीलिए सभी ने कमेंट करें और बहुत अच्छा तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आसियान इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है जो कि वहां पे आपको लिखा हुआ भी दिख रहा है और सोलिडेटरी अभ्यास में आसियान देशों देश यानी कि इसमें इंडोनेशिया वियतनाम मलेशिया ब्रुनेई फिलिपींस जो है इसमें शामिल हुए हैं इस वर्ष क्षेत्रीय गुट की अध्यक्षता इंडोनेशिया के द्वारा किया गया है और चीन के साथ तनाव के बीच इस सैन्य अभ्यास को योजना बनाई गई है और इसमें पूरा मामला तो आपने सुना ही होगा कि जैसे आसियान जो है इसमें इसमें भारत सदस्य नहीं है 1967 में इसकी स्थापना हुई थी और इसमें दस देश हैं हाँ भारत इसका पर्यवेक्षक के तौर पे है ऑब्जर्वर कंट्री लेकिन परमानेंट मेंबर नहीं है उसी के द्वारा ये अभ्यास का आयोजन हुआ आगे फिर से क्वेश्चन है कौन सा विभाग फाइव उत्पादों और समाधानों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजन कर रहा है थॉन का आयोजन कौन सा विभाग 5G तकनीक को विकसित करने के लिए कर रहा है मतलब एक ऐसा आयोजन जहां पे जो आइडिया होते हैं जो न्यू डेवलपमेंट से संबंधित आइडिया है उस पर यहाँ पे चर्चा किया जाता है तो 5G उत्पादों पे विकास को प्रोत्साहित करने के लिए उसमें दूर संचार विभाग डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकोम्युनिकेशन के द्वारा आयोजन किया जा रहा है और मंत्री जो है अश्विन वो आपने जानकारी में है कि अश्विनी वैष्णो इसके मंत्रालय के हेड है अश्विनी वैष्णो हाँ रेल मंत्री भी है और साथ ही साथ टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर भी है तो इसके बारे में पूरी जानकारी कि इस हैकाथन में इसका जो का नाम है वो है फाइव जी एंड बियॉन्ड है 2023 तो इसका आयोजन करने की योजना है और बिल्कुल इसमें दूरसंचार विभाग जो है ये इसका आयोजन कर रहा है पूरा मामला आप देख सकते हैं पूरा नाम इसका है फाइव जी एंड बियॉन्ड है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को हाल ही में अकेडमी के चौदहवें गवर्नर्स अवार्ड्स में मानद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है संबंधित पर्सनैलिटी का नाम क्या है अकेडमी मतलब जो ऑस्कर अवार्ड वाला श्रेणी है उसी में से आपको बताना है कि किसे ऑस्कर जो है आर पुरस्कार से सम्मानित किया गया गवर्नर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है मेल ब्रूक्स एंजेला बैसेट कैरोन या फिर क्या नाम है तो इसमें सभी लोग बिल्कुल सही जानकारी रखोगे एक्सलेंट हा तीनों लोगों को सम्मानित किया गया यानी कि हम लोग इसमें सही उत्तर देखेंगे डी वन टू एंड थ्री ऑल ऑफ इज राइट और यह है अकेडमिक पुरस्कार गवर्न पुरस्कार जो कि ऑस्कर पुरस्कार ही है तो इसकी जानकारी रखेंगे और इनकी पहचान भी आप देख सकते हो कि एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड आर्ट्स द एकेडमी पुरस्कार जिसे कहते हैं या फिर ऑस्कर के तो के रूप में इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जानते हैं उसके द्वारा उसमें अमेरिकी अभिनेत्री एंजेला बैसेट अमेरिकी अभिनेता मेल ब्रूक्स और अमेरिकी फिल्म संपादक कैरोल लिटलिटन को मानद पुरस्कार से ऑस्कर आर्ट से सम्मानित किया गया है ये सभी जो अभिनेता अभिनेत्री और जो संपादक हैं सभी एक ही कंट्री के हैं सभी ऑब्वियसली अमेरिका से ही हैं ये इसमें कॉमन है आगे फिर से क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से किस क्रेडिट ब्यूरो पर हाल ही में क्रेडिट सूचना कंपनी वी नियमन अधिनियम 2005 और क्रेडिट सूचना कंपनी नियम 2006 के गैर अनुपालन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जुर्माना लगाया गया है चलो ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल हमारे लिए है आरबीआई ने किस पे पेनल्टी लगा दिया है भाई उसने क्या किया है कि 2005 क्रेडिट सूचना कंपनी नियम 2006 का नियम का पालन नहीं किया है हाँ उन नियमों का उसने पालन नहीं किया है उस नियमों का उसने उल्लंघन किया है तो उसको उस पर पे पेनाल्टी लगा दी गई है और संबंधित कंपनी का नाम क्या है लेट हो जा रहे हो कुछ बच्चे हाँ प्रयास करें बिल्कुल सात बजे सात बज के पांच सात मिनट तक आप जुड़ जाओ एंड इसमें सही उत्तर हो जाएगा मूडीज कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है उस पर पे पेनल्टी लगाई गई है और मूडीज क्या है भाई तो अमेरिकी बेस्ट एक रेटिंग एजेंसी है और उसपे चार क्रेडिट ब्यूरो ट्रांसेंडियन सिविल इत्यादि एक्सपीरियस इन्फॉर्मेशन ऑफ इंडियन प्राइवेट लिमिटेड और सी आर आई एफ हाई मार्क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सर्विस है बहुत सारी कंपनियों जुर्माना लगाया है, है। जिसमें से एक कंपनी जो इसमें शामिल है इस जुर्माने में वह है Limited, है मूडीज लिमिटेड ये रेटिंग एजेंसी इसकी जानकारी रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि किस हवाई अड्डे को नागरिक उड़ान संचालित करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा हवाई अड्डा लाइसेंस प्राप्त हो गया है क्वेश्चन ये कितनी खुशी की बात है समझो कि एक ऐसा एयरपोर्ट है जिसको लाइसेंस मिल गया है कि भाई आप तुम्हारे एयरपोर्ट से हवाई सेवाएं जो है वो शुरू किया जाएगा तो पहली बार यह लाइसेंस जो है डीजीसीए ने डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा किसे प्रदान किया गया है यह पहली बार हुआ है तो ज्यादा थोड़ा चर्चा में है न्यूज में है कांडला एयरपोर्ट को सिंधु दुर्ग को नैनी को या फिर पंतनगर हवाई अड्डे को तो आप सब बिल्कुल सही इसमें कॉमेंट कर रहे हैं कि नैनी सैनी हवाई अड्डा जो कि उत्तराखंड में पड़ता है उसे लाइसेंस दे दिया गया है डीजीसीए के द्वारा और ऑप्शन नंबर सी यहां पे बिल्कुल सही है इसकी विस्तृत इंफॉर्मेशन को भी आप कुछ लाइनों में देख सकते हो कि डीजीसीए ने नैनी हवाई अड्डा जो कि पिथौरागढ़ उत्तराखंड में पड़ता है उसको उड़ान भरने की अनुमति दे दी उसको लाइसेंस प्रदान कर दिए हैं चलिए तो ये तमाम सवाल थे जिसको हम लोगों ने यहाँ पे किया और रेडियो बिहार करंट अफेयर्स के लिए बिल्कुल तो जितने लोग बिहार करेंट अफेयर्स के लिए रेडी है एक बार कमेंट करके बताओगे कि यस वी आर रेडी फॉर बिहार करेंट अफेयर्स बिहार हा बिहार करेंट अफेयर्स में आज हम लोग दो न्यूज कवर करेंगे दोनों न्यूज अपने आप में महत्वपूर्ण तो है पहला तो हम लोग देखेंगे उस मंदिर का निर्माण से संबंधित न्यूज जो कि बिहार के अंदर हो रहा है और वह है ये वाला मंदिर हाँ बिहार में बन रहा है दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर 270 फीट होगा इसकी ऊंचाई तो इसमें हम लोग देखेंगे कि पूरा विस्तृत जानकारी बेसिकली हाँ इस मंदिर के बारे में तो इसे नोट कर लेंगे कि कहाँ पे बन रहा है क्या है इसके बारे में तो हम लोग इसे देखते हैं देखो बिहार में स्टूडेंट रामायण मंदिर बनेगा जिसकी ऊंचाई कितना है दो एक एक प्रश्न एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है यह जो मंदिर है वो तीन थ्री लाख वर्ग फुट परिसर में होगा इसमें बाईस छोटे बड़े मंदिर होंगे दो तक इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा ये दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर है राम भगवान का इस पूरी दुनिया में पूर्व पृथ्वी पे जो सबसे बड़ा मंदिर है वो बिहार के अंदर बनने जा रहा है और 2025 तक ज्यादा समय भी नहीं लगेगा ये बन करके तैयार हो जाएगा तो इसकी भी जानकारी रखना है निर्माण कार्य कहाँ पे हो रहा है इसमें तो निर्माण कार्य जो है पूर्वी चंपारण में जिला इसका है पूर्वी चंपारण और केसरिया चकिया पथ पे हो रहा है पार्टिकुलर प्लेस जहाँ पे इसका निर्माण हो रहा है अपने से कई बच्चे इधर से ही हो तो वहीं पे इसका निर्माण हो रहा है और अभी त, मंदिर का जो है वो पिलर का काम चल रहा है मतलब उसका नींव अभी तैयार हो रहा है मंदिर फाउंडेशन निर्माण में बत्तीस पिलर तैयार करना है इसके लिए एक टन स्टील और पंद्रह क्यूबिक मीटर कॉन्क्रीट का खपत होगा छः महीने के अंदर जो है ये काम पूरा हो जाएगा हाँ 2023 तक मंदिर का फाउंडेशन स्टार्ट पूरा हो जाएगा यानी कि नींब इसका रखा जाएगा 2025 तक जो है ये मंदिर बन करके तैयार होने की उम्मीद है और उसके बारे में क्या क्या, -क्या इंफॉर्मेशन दिया गया वो समझो मंदिर परिसर के नजदीक जो है बैचिंग प्लांट लगाया जा रहा है और इसके लगने के बाद प्रतिदिन 200 मजदूर काम करेंगे फिलहाल पिलर ढालने के काम 100 मजदूरों के द्वारा किया जा रहा है 22 इंजीनियर सहित लगभग 60 लोगों की टीम इसमें लगी हुई है मंदिर निर्माण के लिए महावीर मंदिर न्यास समिति जो पटना का महावीर मंदिर रेस्टोरेंट तो वहां की जो न्यास समिति है उसके द्वारा पहल किया गया उसके द्वारा बजट इत्यादि का सेंशन किया गया है और महावीर मंदिर न्यास समिति के सचिव किशोर कुणाल जो है उन्होंने ये पूरी जानकारी दी है कि 2023-24 में 80 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है और 2025 तक सावन तक इसका निर्माण जो है वो पूरा हो जाएगा दो तक संभावित है इसका साग सजा मतलब तो पूरा सजावट का काम हो जाना है और बीस जून से इसका निर्माण जो है वो शुरू किया गया है तो इस मंदिर के बारे में पूरी जानकारी हम लोगों ने यहाँ पे देखा और मंदिर परिसर में 22 मंदिर होंगे जैसा कि हम लोग शुरू में भी बात किए थे कि एरिया इसका बहुत बड़ा है मंदिर लगभग 3.67 लाख वर्ग फुट में फैला है और इसमें जो उच्चा शिखर जो होगा मंदिर की जो चोटी जो होगी वो 270 सौ फीट की है तो इस पूरे इंफॉर्मेशन को आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसमें एक फीट जो है और एक फीट के चार और एक सौ के एक जो शिखर बनाए जाएंगे इसकी है और इसमें आश्रम भी होगा गुरुकुल भी होगा धर्मशाला भी होंगे लोग बाहर से आके रुक सकते हो रुक सकते हैं साथ ही साथ यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात और भी है जो नोट करने वाला है वो है कि इसमें विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग भी स्थापित किया जाएगा इसमें विश्व का जो सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित होगा वो इसी मंदिर के अंदर स्थापित होने वाला है और ये दो टन ग्रेनाइट का होगा और इस शिवलिंग का जो ऊंचाई होगा आप देख सकते हैं ये लगभग तैतीस फीट ऊंचाई होगा

अब राम मंदिर और राम सीता मंदिर के बारे में इससे पहले पूछ चुकी है एग्जाम बीपीएससी के अंदर सवाल आ चुके हैं तो इस वर्ष भी आप ये उम्मीद करके चलो कि ऐसा कोई क्वेश्चन जरूर होगा कि बिहार में वह कौन सा जिला है वह कौन सा स्थान है जहां पे पूरी दुनिया का सबसे विशाल सबसे विराट राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो इसे आप जरूर से देखेंगे देन आगे फिर से हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट हमारे सामने है एक और न्यूज है कि दरभंगा एम्स की स्थापना कब देश के साथ एम्स पर पीएम मोदी की समीक्षा से जगी उम्मीद है देखो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे ना कि प्रधानमंत्री ने की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रगति परियोजनाओं की क्या रही है अलग अलग राज्यों में सरकार की उसपे एक बैठक हुआ इसमें बिहार में जो एम्स का निर्माण होना है और भारत के साथ अलग अलग जो एम्स का निर्माण होना है उसकी भी समीक्षा की गई तो बिहार के एम्स का जो रिपोर्ट है वो जान करके आपको आश्चर्य होगा ये सात जो एम्स बनने वाले उसने वो है राजकोट में जम्मू में अवंतीपुरा में बीबीगंज में मदुरई रेवाड़ी और दरभंगा में तो इन सब का स्टेटस देखा गया है आपको जान करके आश्चर्य होगा कि दरभंगा के बारे में जो रिपोर्ट है वो ये है कि दरभंगा का एम्स का जो अभी निर्माण है वो अभी प्रारंभ ही नहीं हुआ है हाँ और इस समीक्षा बैठक में बातें सामने आई हैं और इस प्रोजेक्ट का संज्ञान जो है प्रधानमंत्री ने लिया है एक बार फिर से उम्मीद है कि ये कार्य जल्द प्रारंभ हो जाएगा दरभंगा में सात बेड का एम्स जो है उसको अप्रूव किया है सरकार ने और यह अप्रूवल मिला था 15 दिसंबर 2020 को केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दी है कि भाई यहाँ पे उसका निर्माण होगा हाँ तो ये प्रोजेक्ट जो है वो क्यों लटक गया है इसके बारे में भी काफी चर्चाएं हैं और इसके पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा है वो ये है कि जो एम्स का जो निर्माण करने वाली जो समिति है उसने ये आरोप है उनका ये तर्क है कि भाई बिहार सरकार ने उपयुक्त तो भूमि हमें उपलब्ध नहीं कराया है जिस प्रकार का हमें भूमि चाहिए इसके निर्माण करने के लिए हॉस्पिटल के निर्माण के लिए उस प्रकार की भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई है जिस कारण से जो है हॉस्पिटल का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पा रहा है हा? तो ये तमाम जानकारी रखना है तो ये न्यूज भी हमारे सामने है देन अब हम लोग अपने सेशन के सबसे आखिरी सेगमेंट में होंगे और सबसे आखिरी सेगमेंट में हम लोग देखने वाले हैं कि अनकेडमी पे आपके लिए अभी न्यू कोर्सेज बैचेज क्या क्या हैं अपडेट्स क्या है, है? नए बैचेज और अपडेट्स की बात करें तो अनकेडमी पे आप सभी बच्चों के लिए है कि अगर आप बिहार शिक्षक की तैयारी करना चाहते हो तो क्लास वन टू फाइव के लिए कोर्सेज है चार सौ निन्यानवे में टेस्ट सीरीज भी है और अगर आप इस बार सिक्सटी नाइन्थ बीपीएससी के लिए अपेयर होना चाह रहे हैं तो सिक्सटी नाइन्थ बीपीएससी के लिए आप, तो के लिए आप एक नब्बे दिन का क्रैश कोर्स इसमें जुड़ सकते हो इक्कीस सौ निन्यानवे का कोर्स भी है और सत्तरवें बीपीएससी जो कि फाउंडेशन बैच है इसमें भी जुड़ करके आप पीटी मेन्स की पूरी तैयारी कर सकते हैं इन बैचेज की सबसे खास बात है कि अकेडमी की एक टीम पूरी मिलेगी जो आपके साथ लगातार इसमें काम करेगी और बिहार कॉन्स्टेबल की भी तैयारी कर सकते हैं मात्र ग्यारह सौ निन्यानवे रुपये में तो बैचेज कोर्सेज की कोई कमी नहीं है पे टारगेट सिक्स बीपीएससी बैच भी है इंग्लिश माध्यम में अचीवर टू पॉइंट जीरो आपने अन का ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो सिंपल स्टेप से प्ले स्टोर में इंस्टॉल करके इंस्टॉल करके मोबाइल नंबर डालें गोल जाके सेलेक्ट कर लें अन प्लस से जुड़ना मतलब यूनिवर्स से जुड़ना अब आपको इतने सारे इंफॉर्मेशन यहां पर मिल जाएगा कि आप इसके बाद आपके पास कोई बहाना ही हो सकता नहीं पढ़ने का बाकी पढ़ने के लिए जितनी सुख सुविधाएं चाहिए वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा तो फिलहाल इस सेशन में इतना ही और क्या हाल है कैसे हो आप सब लोग कुछ बच्चे सेशन में लेट से जुड़ते हैं प्रयास करो बिल्कुल समय पर रहने का सात बज के पांच सात मिनट तक हार्डली सात बज के दस मिनट तक आप कोशिश करना सेशन से जुड़ जाए और अब बारी है दो पैसे की शायरी की और उसके साथ ही हम लोग अपने सेशन को समाप्त करेंगे टीचर वाला टेस्ट सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट है आप उसमें जुड़ सकते हैं बिल्कुल हाँ टीचर वाला जो टेस्ट सीरीज है फिफ्थ ऑफ जून से ही है स्टार्ट है हमारा तो उसमें बिल्कुल जुड़िए और बिल्कुल दो पैसे की शायरी की बारी है और उसके बाद हम लोग सेशन को समाप्त करेंगे दो पैसे की सारी मिल नहीं रहा है जस्ट अ सेकेंड हा लोग जल्दी से इसे करते हैं और क्या लिख रहे हो उधर से कि पहले से वाह वाह करते रहो ताल्लुक कौन रखता है किसी नाकाम से ताल्लुक कौन रखता है किसी नाकाम से लेकिन मिले जो कामयाबी सारे रिश्ते बोल पड़ते हैं ताल्लुक़ कौन रखता है किसी नाकाम से मिले जो कामयाबी तो सारे रिश्ते बोल पड़ते हैं मेरी खूबी पे रहते हैं मेरी खूबी पे रहते हैं खामोश सभी मेरी खूबी पे रहते हैं खामोश सभी मेरे ऐबों पे ऐब मतलब मेरी कमियों पे मेरे ऐबों पे गूंगे भी बोल उठते हैं जी हाँ रिपीट कर दे रहा हूं कि ताल्लुक कौन रखता है किसी नाकाम से मिले जो कामयाबी तो सारे रिश्ते बोल पड़ते हैं मेरी खूबी पे खामोश रहते हैं सभी मेरी खूबी पे खामोश रहते हैं सभी मेरे ऐबों पे गूंगे भी बोल उठते हैं और बिल्कुल सच्चाई है कि हमारे जीवन में हमारे आस पड़ोस में ऐसे कई लोग हैं जो हमें इस बात का एहसास कराएंगे कि तुम तुम्हें ये कमियाँ हैं तुम्हें ये कमियाँ हैं में ये कमियां हैं लेकिन वो आपकी खूबियों पे कभी आपकी तारीफ नहीं करेंगे या आपकी खूबियों को कभी आपके सामने रिकोगनाइज़ नहीं करेंगे कि हाँ भाई आपकी ये खूबियाँ हैं तो ये दो पैसे लोगों की ऐसे ही कहानी होती है तो हमेशा एक बात का ख्याल रखो कि अगर आप अपने आप को जानते हो तो दुनिया में किसी भी व्यक्ति का रिकोगनाइजेशन आपके लिए बहुत मायने नहीं रखता है क्योंकि जो व्यक्ति खुद की पहचान कर लेता है जो व्यक्ति खुद की पहचान कर लेता है दुनिया को उसकी पहचान कुछ समय बाद हो जाती है है ना और दुनिया में हमारे और आपके लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं है सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड है सफल होना आप अगर सफल हैं तो आपकी बातें सुनी जाएंगी आप अगर असफल नहीं है तो आपको सुनाया जाएगा और जस्ट लाइक वैसे ही कि अगर आप में ऐप है आप में कमी है तो गूंगे भी आपको बोलेंगे और अगर आप में खूबियां हैं अगर आप सफल हो तो हर चेहरा हर इंसान जो वो खामोश रहेगा और पहला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट था इसमें कि ताल्लुक कौन रखता है किसी नाकाम से मिले जो कामयाबी तो गूंगे भी बोल उठते हैं अगर आप अपने जीवन में असफल हो या आप अपने जीवन में संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं आपसे अपना नाम कोई जोड़ना नहीं चाहेगा लेकिन तो आप थोड़ी सी कामयाब हो जाओ थोड़े सफल हो जाओ हर व्यक्ति अगर आपसे नहीं जुड़ना चाहे तो फिर बता देना और ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं हमारे लिए भी शायद हम लोग भी ऐसा मैं भी ऐसा सोचता हूँ बाकी लोग भी सोचते होंगे तो बिल्कुल इस बात का ख्याल रखें और आज के सेशन को ही समाप्त करेंगे आप लोग जितने बच्चे सेशन में अभी लाइव हैं एक बार क्लास को लाइक करते हुए जाना जब मैंने आज एक बार भी नहीं बोला है तो मात्र 91 लाइक है हाँ जो कि अच्छी बात नहीं है तो सेशन को लाइक करिए और अपने सभी साथियों के साथ एक बार इसे फटाफट से शेयर कर दीजिए फिलहाल इस क्लास में इतना ही खूब ख्याल रखें अपना हंसते मुस्कुराते रहिए अकेडमी लेट्स क्रैक इट